अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद है ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। पूरी दुनिया में दोस्तों मोटर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर किया जाता है, चाहे वो कोई बच्चों का खेलने वाला खिलौना हो या कोई इंडस्ट्री हो या फिर कोई घर हो, तो उसमें मोटर्स का इस्तेमाल जो है वो एक आम सी बात हो चुकी है। मोटर्स की दोस्तों दो तरह की इकसाम होती हैं, एसी और डीसी। दोस्तों पूरी दुनिया में बिलखसूस पाकिस्तान में एसी मोटर्स का इस्तेमाल बहुत वसी पैमाने के ऊपर किया जाता है, लेकिन दोस्तों कुछ ममालिक में डीसी मोटर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है और कुछ खास जगह के ऊपर भी डीसी मोटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, बिलखसूस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में या फिर एलिवेटर्स में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत होती है वहाँ पर डीसी मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों डीसी मोटर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि डीसी मोटर्स की भी तीन तरह की इकसाम होती हैं, जिनमें से एक है डीसी सीरीज मोटर, दूसरी है डीसी शंट मोटर और तीसरी को डीसी कंपाउंड मोटर के नाम से जाना जाता है। तो पहले दोस्तों मेरे पास इस वक्त मौजूद है 550 वाट की डीसी कंपाउंड मोटर, जो कि 220 डीसी वोल्टेज के ऊपर चलती है और ये एक मेड इन इंग्लैंड मोटर है और इसके टर्मिनल बॉक्स के ऊपर हमें 6 तरह की तारें जो हैं वो 6 टर्मिनल देखने को मिल जाते हैं। मजीद दोस्तों डीसी मोटर के बारे में मैं आपको बताता चलूं, तो इसमें हम इसकी वाइंडिंग को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वाइंडिंग जो इसकी शाफ्ट के ऊपर मौजूद होती है, ये मोटर के अंदर जो है वो रोटेट करती है, और एक वाइंडिंग जो है वो इसकी कोर के ऊपर एक साकन वाइंडिंग होती है जिसको हम स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। इसकी फील्ड वाइंडिंग के ऊपर भी मजीद दो तरह की वाइंडिंग जो है वो मौजूद होती है, एक को हम सीरीज वाइंडिंग कहते हैं और एक को हम शंट वाइंडिंग कहते हैं। तो पहले दोस्तों कभी आपके सामने इस तरह की मोटर आ जाए तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने आर्मेचर वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग के कनेक्शन आपस में किस तरह करने हैं और इस मोटर को प्लाई लाइन के साथ किस तरह जोड़ना है। तो पहले दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मल्टीमीटर की मदद से एक डीसी कंपाउंड मोटर की तीनों वाइंडिंग को ट्रेस करने का तरीकाकार बताऊंगा और फिर हम उसके कनेक्शन करेंगे और फिर उसको हम सप्लाई लाइन के साथ लगाकर चलाएंगे। तो पहले दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। तो पहले दोस्तों किसी भी कंपाउंड मोटर की वाइंडिंग के टर्मिनल को चेक करने के लिए हम एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम रखते हैं जी कंटिन्यूटी के ऊपर, बजर के ऑप्शन के ऊपर, और हम दो टर्मिनल को लगा देते हैं। एक को हम लगाते हैं जी कॉमन के ऊपर और दूसरे को हम लगा देते हैं डायोड के ऑप्शन के ऊपर। बारी बारी हम लगाएंगे जी अपनी इन मोटर की तारों के साथ। तो दोस्तों इन टर्मिनल्स को चेक करने से पहले हमें इन वाइंडिंग्स के बारे में थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। आखिर हमें मल्टीमीटर के ऊपर किस तरह पता चलेगा कि इनमें से कौन सी वाइंडिंग की कौन सी वाली तार है? तो दोस्तों इसको हम इस मीटर के ऊपर मौजूद रीडिंग से जज करेंगे। जो इसके अंदर शंट वाइंडिंग होती है वो उसकी मुजाहमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों शंट वाइंडिंग बारीक तार से की जाती है और उसकी लंबाई भी बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से उस वाइंडिंग की मुजाहमत भी ज्यादा होती है। नंबर दो के ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो सीरीज वाइंडिंग होती है, ये बहुत मोटी तार से की जाती है और इसकी लंबाई भी कम होती है, तो दोस्तों तार का साइज भी कम होने से और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ जाने से उस वाइंडिंग की मुजाहमत बहुत ही कम हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। और नंबर तीन के ऊपर दोस्तों जो वाइंडिंग होती है इसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग की दोस्तों जो मुजाहमत होती है वो सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग के दरमियान में जो रीडिंग आती है वो आर्मेचर वाइंडिंग की मुजाहमत होती है। इस तरह हम बारी बारी अब इन 6 तारों में से दो दो तारें अलग कर लेते हैं। पहले हम दो दो तारों का सेट बना लेते हैं और तीन वाइंडिंग्स को अलग कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो 6 तारे हैं ये सारी की सारी इस मोटर के अंदर से आ रही हैं। ये जो व्हाइट आपको नजर आ रही हैं ये सिर्फ वायर्स की लंबाई बढ़ाने के लिए है, ये किसी वाइंडिंग की कोई निशानी नहीं है। अब हम दो दो तारों को पहले अलग कर लेते हैं। हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन सी दो तारें एक वाइंडिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। एक वायर को लगाते हैं एक टर्मिनल के साथ और फिर बारी बारी हम लगा देते हैं दूसरी तार को दूसरे टर्मिनल के साथ। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर रीडिंग मौजूद है। तो ये जो दो तारे हैं इनको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों चार तारे रह जाती हैं, जिनमें से अब हम दो को चेक करेंगे कि कौन सी दो तारें एक वाइंडिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो दो तारे हैं ये एक अलग वाइंडिंग से जुड़ी हैं, इनको हम फिर से अलग कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो दो तारे रह जाती हैं ये एक तीसरी वाइंडिंग के साथ जुड़ी हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी शंट वाइंडिंग है, कौन सी सीरीज है और कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग है? तो हम तीनों वाइंडिंग्स की मेजरमेंट लेंगे मल्टीमीटर की मदद से और हमें इनकी रीडिंग से अंदाजा होगा कि कौन सी वाइंडिंग कौन सी वाली है। नंबर एक वाइंडिंग जो है वो इसकी जो रेजिस्टेंस है 19 ओम है। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं जी दूसरे टर्मिनल को। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग है ये ना होने के बराबर है, यानी कि 4 ओम है। तो सबसे कम मुजाहमत जो है वो दोस्तों इस वाइंडिंग की है, इसको भी हम अलग कर लेते हैं और तीसरी को हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों तीसरी वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है ये 900 ओम है, यानी कि ये जो वाइंडिंग है हमारे पास, ये जो दो तारे हैं ये शंट वाइंडिंग के साथ जुड़ी हुई हैं और ये वाली जो दो तारे हैं ये सीरीज वाइंडिंग के साथ जुड़ी हैं और ये वाली जो दो तारे हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ी हैं। अब दोस्तों किसी भी कंपाउंड मोटर के कनेक्शन करने से पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग को शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग के साथ किस तरह जोड़ा जाता है। तो आप स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम को देख सकते हैं कि शंट वाइंडिंग को आर्मेचर की वाइंडिंग के पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी कि आर्मेचर की ये वाली जो दो तारे हैं इनको हम जोड़ेंगे इस शंट वाइंडिंग की दोनों तारों के साथ।
एक सिरे को मैंने अर्मेचर की तार के एक सिरे के साथ जोड़ दिया है और शंट वाइंडिंग के दूसरे सिरे को मैंने अर्मेचर वाइंडिंग की दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया है। ये जो चार टर्मिनल हैं ये आपस में जुड़ के इस वक्त दो टर्मिनल हो चुके हैं, यानी कि अर्मेचर वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग आपस में पैरेलल में जुड़ चुकी हैं। अब ये जो दो टर्मिनल हमारे पास बच जाते हैं ये इस मोटर की सीरीज वाइंडिंग के टर्मिनल हैं। तो दोस्तों सीरीज वाइंडिंग शंट और अर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में होती है, यानी कि इसके एक सिरे को हम अर्मेचर वाइंडिंग के शंट वाइंडिंग के एक सिरे के साथ जोड़ देंगे जो हमने कॉमन किया था और इसको हम अलग कर देंगे। यानी कि यहाँ पर अर्मेचर वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग का एक एक सिरा आपस में जुड़ चुका है। और इसके अलावा ये जो दो साइड्स हैं यहाँ पर हमारे पास जो सिंगल तार है ये सीरीज वाइंडिंग का एक सिरा है और ये जो दो तारे हैं यहाँ पर एक शंट वाइंडिंग और एक अर्मेचर वाइंडिंग का एक टर्मिनल है। तो दोस्तों ये जो दो टर्मिनल हैं ये हमारे पास सप्लाई के टर्मिनल बच जाते हैं, यहाँ पर हम सप्लाई के कनेक्शन करेंगे और इस मोटर को सप्लाई मुहैया करेंगे। सप्लाई के लिए मैं इन केबल्स का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अब ये कनेक्शन जो मैं कर रहा हूँ दोस्तों ये सिर्फ आपको बताने के लिए, सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कोई परमानेंट जो है वो जोड़ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ आर्जी तौर पे ज्वाइंट लगाऊंगा। अब इसके साथ मैं दो तारे लगा लेता हूँ और इसको हम साइड पे कर लेते हैं जी। अब दोस्तों मेरे पास ये जो दो सिरे हैं इसके साथ हमने एक पॉजिटिव लगाना है और एक नेगेटिव लगाना है। इसको हमने डीसी सप्लाई जो है मुहैया करनी है। मेरे पास एक डीसी सोर्स मौजूद है जो कि एक वेरिएबल और एक फिक्स सप्लाई भी है, लेकिन इसको मैं वेरिएबल डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। जैसे जैसे हम इसकी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इसकी स्पीड के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। और एक को मैं पॉजिटिव के साथ लगाता हूँ, दूसरे को मैं नेगेटिव के साथ लगा देता हूँ। यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो हमारी मोटर जो है वो चलना स्टार्ट कर देगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी डीसी कंपाउंड मोटर जो है वो चल रही है। इसकी जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। जो आप शोर सुन रहे हैं ये इसकी बैरिंग की आवाज़ है। जैसे जैसे दोस्तों हम डीसी वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे उसी तरह उसी हिसाब से मोटर की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह किसी भी डीसी मशीन की स्पीड को वोल्टेज के जरिए कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।